नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी बबलू के साथ। मेरे हाथ में आप इस समय जो देख पा रहे होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजकल के बच्चों ने इस चीज़ को नहीं देखा था। हालांकि मैंने ही इसको काफ़ी अरसे बाद देखा। ये है पोस्टकार्ड। पोस्टकार्ड की ज़रूरत मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर। ये लोग जो भी हैं मैं इनका परिचय आपसे बाद में कराऊंगा। फिलहाल इन लोगों को पोस्टकार्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी, साथ ही एक चीज़ और मैं दिखाऊँ। हालांकि ये आमतौर पर इसको तो अक्सर ही देखा जाता है, विरोध प्रकट करने की बातचीत जब होती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं बात कर रहा हूं प्रदेशव्यापी आंदोलन की, वो भी हायर एजुकेशन के शिक्षकों की। आखिर ऐसी कौन सी बात आ पड़ी जिसको लेकर आज ये लोग धरना प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। संकेत फिलहाल, हालांकि ये सांकेतिक है, उसके बाद सरकार ने अगर इनकी ना सुनी तो ये कह रहे हैं कि जो भी हमारे ऊपर के पदाधिकारी, प्रांतीय लेवल के पदाधिकारी कहेंगे हम उसको भी करने के लिए तैयार हैं। तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। ये बताइए आखिर सड़क में उतरने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? क्योंकि सरकार हमारी समस्याओं को अनसुनी कर रही है। हम लोगों का UGC का जो वेतनमान मिला उसके एरियर्स हैं, एरियर दिया जाता है, हाउस रेंट नहीं दे। तमाम तरीके की ऐसी समस्याएं हैं जो सरकार ध्यान ही नहीं दे रही। जब सरकार ध्यान नहीं देगी तो हमें कुछ न कुछ कदम तो उठाना पड़ेगा। हालांकि सबसे बेहतर बात है इसमें शिक्षण, छात्रों को पढ़ाने के लिए जो भी तरीके थे, जो भी थे, वो प्रभावित नहीं हो रहे, ये एक बड़ी बात है। हालांकि इनसे हमें ये उम्मीद तो थी ही। बताइए क्या चाहते हैं बाबा? हम चाहते हैं कि शासन हमारी मांगों को सुने, हमारी समस्याओं को सुलझाए और जो DA एरियर और हाउस रेंट की मांगे हैं उनको पूरी करे। ये मांगे कोई गलत नहीं है, क्योंकि राष्ट्र देश के और प्रदेश के सभी कर्मचारियों को लगभग DA मिल चुका है। जब सबको DA मिल गया है तो हमें मिलना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। किसी को ना मिला होता तो अलग बात थी। तमाम तरीके की बातचीतें हैं। समस्या ये है कि जब अगर सरकार जिस तरीके से आप लोगों के लिए अभी आपने सांकेतिक का मतलब क्या, जरा इसको अच्छे से विस्तार से समझाइए। सिर्फ शासन को याद दिलाना है कि हमारी भी कुछ मांगे लंबित पड़ी हुई हैं, जैसे बाकियों की सुनी जाती हैं वैसे हमारी भी सुनी जाएं। ये इसके लिए सिर्फ हम लोग सांकेतिक रूप से ये अभी प्रांतीय संघ के आह्वान पर ये जो कार्य है पोस्ट कार्ड लिखना या काली पट्टी लगाना, उससे हम लोगों ने प्रारंभ किया है। पोस्टकार्ड से हमने प्रारंभ किया है, अब ये सिलसिला कहाँ रुकता है ये शासन को तय करना। अखिलेश जी, एक बड़ा सवाल, तमाम मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है इन मुद्दों पे किस तरीके से, जैसा कि आपने चरणबद्ध तरीके से ये स्टार्ट किया, तो इसको किस तरीके से, जरा इसको विस्तार से समझाइए आप। धन्यवाद जावेद जी। मैं जिला सचिव प्राध्यापक संघ, और अभी जैसा कि आपने कहा कि अरसे हो गए पोस्टकार्ड को देखे हुए, तो हम लोगों ने इसे संकेत के रूप में प्रयोग करने का ठाना है। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश त्यागी और महासचिव डॉक्टर आनंद शर्मा के निर्देशन में ये पूरा प्रांत व्यापी आंदोलन है। और जैसा कि हमारे सभी पदाधिकारियों ने बताया कि हमारी कुछ मांगें लंबित हैं और उन मांगों को शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है, इसलिए हम लोग अपने सभी कामों को करते हुए, अध्ययन का कार्य हो, प्रवेश का कार्य हो, अन्य जो भी दायित्व हैं उनको हम लोग पूरा करते हुए अपना ये आंदोलन प्रारंभ कर रहे हैं। आज हमारा पहला चरण शुरू हुआ है जो 2 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक चलेगा। इसमें 3 चीज़ें हैं संकेत के रूप में। पोस्टकार्ड जैसा कि आपने दिखाया वो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत भेज रहे हैं। हर शिक्षक काली पट्टी लगा रहा है और काला मास्क लगा रहा है। जावेद जी, कोविड में भी हमारे प्राध्यापकों ने तन मन धन से कार्य किया है और कई प्राध्यापक अपने शासकीय सेवा को करते हुए भी दिवंगत हुए हैं। रीवा से ही आप डॉक्टर अवध शुक्ला और कई ऐसे नाम हैं। दूसरा चरण हमारा 16 से 25 अगस्त के बीच होगा। 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व है, हम सब लोग उस दिन कोई आंदोलन में नहीं रहेंगे और अपने राष्ट्रीय पर्व को शानदार। मैं बीच में रुकूंगा आपको, मैं आपसे अभी और बात करूंगा। एक बड़ी बात, सांकेतिक प्रदर्शन के साथ ये शिक्षकों ने, पूरे प्रदेश के शिक्षकों ने एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो तय किया था, 15 अगस्त। 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व के दिन हम किसी भी तरीके से कोई भी सांकेतिक या विरोध प्रदर्शन की बात नहीं करेंगे। हम उस दिन अपना पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाएंगे। अब
जी हाँ, अपनी बात आप पूरी करें। इसके बाद हमारा द्वितीय चरण जो है वो 16 से 25 अगस्त के बीच होगा, जिसमें हम लोग गेट मीटिंग, स्लोगन, पोस्टर आदि के माध्यम से जन जागरूकता को फैलाते हुए शासन को अपनी मांग उनके सामने रखेंगे, ताकि वो हमारी बातें सुने। और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से ऊपर बैठे हुए जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और राजनेता हैं, वो हमारी बातों को सुनेंगे और हमारे सकारात्मक प्रयास को वो स्वीकार करेंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि हमारे सभी प्राध्यापक साथी अपने क्षेत्र के जो हमारे माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, हम लोग उनसे भी मिलेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिख करके हमारी मांगों के प्रति सजग करें, ताकि हमारी सकारात्मक प्रयास हमारा सफल हो और एक बेहतर वातावरण बन सके। मैं एक बार फिर से उसी वहीं पर चलता हूँ जहाँ से मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, पोस्ट कार्ड। इस पोस्ट कार्ड को देख के यहाँ के जो भी शिक्षक हैं, पूरे प्रदेश के शिक्षक हैं, उनको ये उम्मीद है कि इस पोस्टकार्ड को देख के, चाहे वो नेता हों, चाहे वो उच्च पदों पे बैठे अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हों, सबको अपना पुराना समय याद आएगा जब वो इस पोस्टकार्ड का इस्तेमाल धरने, प्रदर्शन और तमाम तरीके की बात कर लिए करते थे। हो सकता है अपनी नौकरी के लिए भी उन्होंने इसका इस्तेमाल किया हो। आज इस पोस्ट कार्ड की ज़रूरत यहाँ के शिक्षकों को पड़ी है, वह भी सांकेतिक रूप से एक अपनी मांगों को दिखाने के लिए, अपनी मांगों को विरोध प्रकट करने के लिए उन्होंने पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल किया है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। अब देखना दिलचस्प होगा जिस तरीके से आप लोगों ने सांकेतिक प्रदर्शन की बात की है। हालांकि 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व के दिन ये सांकेतिक प्रदर्शन नहीं होगा, ये 25 तारीख तक लगातार जारी रहेगा। अब देखना है शासन प्रशासन इनकी मांगों पर किस तरीके से विचार करता। हालांकि इनका साफ तौर से कहना था, अगर ये सुविधा जो मेरी मांगे हैं अगर वो किसी के साथ पूरी हुई हैं तो हमें भी करना चाहिए। एक वाजिब सा सवाल है। अब इस वाजिब सवाल का क्या हल निकलता है, उसके लिए भी हम जल्द ही आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान जावेद अंसारी को बबलू के साथ दीजिए इजाज़त।